फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमके क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में इतिहास के कुछ प्रश्न बताएंगे और उनके उत्तर भी बताएंगे, जो कि व्याख्यात्मक होंगे, यानी थोड़ा अति लघुतरी में होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा प्रश्न है, गुप्त काल को क्लासिकल युग क्यों कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा, कला और साहित्य के क्षेत्र में चौमुखी विकास के कारण गुप्त युग को भारतीय इतिहास में क्लासिकल युग कहा जाता है। तिगवा, भूमरा, भीतरगांव, देवगढ़, सिरपुर आदि नागर शैली के विशाल मंदिरों का निर्माण हुआ है। साहित्य के क्षेत्र में कालिदास, शूद्रक, विशाल दत्त, वत्सायन, विष्णु शर्मा जैसे महान विभूतियों का जन्म गुप्तकाल में ही हुआ है। तो इसीलिए गुप्तकाल को क्लासिकल युग कहा जाता है। तो दोस्तों, चलिए अगली हमारा अगला, अशोक के किस स्थान के अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? अशोक के किस स्थान के अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? तो इसका हमारा उत्तर है, कौशाम्बी के लघु स्तंभ। कौशाम्बी के लघु स्तंभ लेख में अशोक की रानी करुवाकी द्वारा, अशोक की रानी करुवाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है, दान दिए जाने का उल्लेख है। इसी में उसके एकमात्र पुत्र जो अभिलेख में वर्णित है, तीवर का उल्लेख है, इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह हमारा प्रश्न है, बौद्ध धर्म को स्वीकार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? यानी बौद्ध धर्म को स्वीकार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इसका हमारा उत्तर होगा, ज्ञान प्राप्ति के आठवें वर्ष वैशाली के लिच्छवियों ने इन्हें आने का निमंत्रण दिया तथा इसके सम्मान में कुटाग्र शाला विहार बनवाया। अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दे दी। उनकी भी माता प्रजापति गौतमी संघ में शामिल होने वाली पहली महिला थी। तो चलिए एक बार और इस प्रश्न को देखते हैं, बौद्ध धर्म को स्वीकार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इसका हमारा आंसर होगा, ज्ञान प्राप्ति के आठवें वर्ष वैशाली के लिच्छवियों ने इन्हें आने का निमंत्रण दिया तथा इसके सम्मान में कुटाग्रशाला विहार बनवाया। अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दे दी। उनकी भी माता गौतमी संघ में शामिल होने वाली पहली महिला थी। गौतमी पहली महिला संघ में शामिल होने वाली थी। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए